क्या मस्त लगती है बाइक, इनके पूरी कवर करके रख। ये आता है शार्प टर्न, तो भाई ये देखो डबल शेडेड वाला कलर है ना, वो कलर है ये। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय मॉर्निंग होगा। और सभी कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, रेडी हो चुका हूँ। और आज फ्राइडे है और फिलहाल मुझे निकलना है, क्लाइंट मीटिंग है एक दो, तो वहाँ के लिए निकलूंगा। ऑफिस जाऊँगा पहले, तो सबसे पहले ब्रेक पर बेफर के ऑफिस पहुँचते ही निकल जाऊँगा टाइम से। और कार में जाना है पहले कार लेके आऊँगा पार्किंग में से, और उसके बाद निकलेंगे और देखते हैं मौसम कैसे रहता है। फिलहाल तो धूप निकल गई है, बारिश वारिश आएगी नहीं आएगी कैसा रहेगा, तो चलते हैं फिलहाल और गाड़ी वाले निकालते हैं, फिर रास्ते में बातचीत करते हैं। भाई अभी निकला है जिस काम से मुझे जाना था, वहाँ के लिए थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, बट कोशिश ये थी जल्दी पहुँचा। ये लो यार, यहीं पे जाम मिल जाता है या मॉर्निंग में, तो पता नहीं क्या चक्कर है आजकल, तो यहीं पे जाम मिल जाता है। घर से निकलते जाम चालू हो जाता है, अभी जाम आगे तक रहेगा यार। अभी सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में ही जाम मिल जाए इतना, आगे तो क्या ही मिलेगा। फिर अगर जाम क्रॉस करना है पता नहीं कितनी देर लगेगी, ग्रीन लाइट होगी उसके बाद चलेंगे, फिर दोबारा रेड होगी, फिर ग्रीन होगी, उसके बाद निकलूँगा मैं। अब तब तक तो धीरे धीरे चलते रहो। ऑटो भी ख़राब हो गया भाई साहब का इधर, तो आओ यार जल्दी निकालो, सोचो मत। जब निकालने तो निकाल नहीं है, इतना सोच के काटोगे तो फिर हो गया काम, सोचते रह जाओगे। सबकी गाड़ियाँ बोल गई आज तो, जाम ही जाम इतना है। चलो यार पहुँचते हैं थोड़ा सा आगे, फिर बातचीत कंटिन्यू करते हैं, जो जाम में फंसना है फिलहाल तो थोड़ी देर। फिर अब जाके निकला हूँ आगे, थोड़ा सा जाम बहुत ज़्यादा था यार, दो बार लेट हो गई उसके बाद निकल पाया हूँ। अब आगे देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है, आगे कम से कम ऐसा जाम ना मिले यार, तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ मैं। सब कोशिश ये कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी पहुँच जाऊँ, बट देखेंगे भाई जैसा टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग। और मौसम तो गर्मी वाला ही हो गया है, बारिश वारिश का कोई मैटर लग नहीं रहा अभी फिलहाल, और आगे जाके पता चलेगा कि वहाँ क्या पता वेदर चेंज है या नहीं है, क्योंकि आजकल तो पता नहीं चलता ना, थोड़ी थोड़ी दूर पर ही वेदर चेंज हो जाता है। तो फिर भी अभी थोड़ा सा दूर हो गया है तो जहाँ मुझे जाना है, एक तो लॉक नहीं चलते पता नहीं क्यों, मन नहीं करता उनका कहीं जाने का, वहीं अटके रहेंगे, धीरे धीरे चलाएंगे। अब एक और रेड लाइट को देखो, इस टाइम तो जब लेट हो रहा है ना तब तो भाई साहब रेड लाइट ऐसे लगते हो तो क्या पहाड़ है भाई, बहुत तगड़ा। ये पता नहीं कब ग्रीन होगी, कब निकलूंगा मैं। एक तो नो एंट्री खुल जाती है ना, इस वजह से तो जाम बढ़ जाता है। अब ये ऑटो ऑटो वाले सब आ जाते हैं रोड पर, अब यहाँ वेट करो, ये ग्रीन होगी तो आगे चल पाएंगे भाई। चलो भाइयों निकल गया हूँ आगे, ग्रीन हो गई थी बट आगे वाले भाई सब चल नहीं रहे, पता नहीं क्या चक्कर है, इनका मन नहीं है जाने का आज, ज़बरदस्ती आए हैं काम पे ऐसे लग रहा है मुझे, जाम और लगा रखा है। अब ये लो चाहे कुछ आ गया था, अब देखता हूँ भाई आगे। एक्चुअली मैं किसी को पिक भी करना है तो उनको भी लेके जाना है, तो उनको पिक करूँगा तो भाई टाइम लग ही जाएगा उनको भी लेना, वो बेचारे वेट कर रहे होंगे, तो उनको लेके फिर निकलूँगा आगे। और देखेंगे भाई कैसा क्या सिचुएशन रहेगी, पहुँचता हूँ थोड़ा आगे, जाम हम क्रॉस कर लूँ फिर बातचीत करेंगे। अब आ गया हूँ आगे और फिलहाल रेड लाइट पे वेट कर रहा हूँ, देख लो। और ये देख लो भाई साहब बाइकर, ये होते हैं बाइकर जो जाते हैं ट्रैवलिंग पे, क्या मस्त लगती है बाइक, इनके पूरी कवर करके रखते हैं कि कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। हेलमेट वेलमेट सब बढ़िया एकदम, वेंटिलेटेड हेलमेट और माइक वाला हेलमेट होता है, इनका अलग ही मज़ा है। वैसे एक बात तो है भाई साहब बहुत बढ़िया है। अब ग्रीन होने वाली है, चलता हूँ जल्दी से खींचता हूँ और आगे पहुँचते हैं फिर बातचीत करते हैं। तो भाई अब आ गया हूँ गाड़ी को लेकर हिल स्टेशन एरिया पे, यहाँ भी पूरा जाम है क्योंकि सब लोग यहीं से जाते हैं इस टाइम तो, क्योंकि वो वाला रूट पर हो जाता जाम वहाँ पे, हाई कोर्ट है तो कोर्ट वगैरह की वजह से पार्किंग बन जाती बाहर मेन रोड पर, तो सारा जाम हो जाता, बहुत लंबा रास्ता ब्लॉक हो जाता है वहाँ पर, तो इस वजह से सब लोग रूट चेंज कर लेते हैं। थोड़ा सा लंबा जरूर पड़ता है लेकिन ये सही लगता है, रुकने से बढ़िया है। लेकिन यहाँ भी जाम होने लग गया आजकल तो, कहीं कितने शॉर्टकट निकाल लो सब पता लग जाता सबको, तब जगह जाम चालू हो जाता है। अब यहाँ पे भी टाइम लगेगा तो धीरे धीरे चलते रहो। आगे वाले कोई एक आधा बंदा जो चलता नहीं है उसकी वजह से जाम लगता है यहाँ तो मेन, यहाँ खाली चलाने का तरीका होना चाहिए, चला ले बंदा चढ़ा सकता है सही से तो चढ़ा लेगा, नहीं तो फिर वो सबको रोकता हुआ जाएगा। ये देखो अभी भी आगे कोई बंदा ऐसा है वो अटका रहा है सबको, वो देखो आगे ऑटो जा रहा है ना उसमें पिकअप नहीं हो पा रही, माल लोड इतना है फिर भी चढ़ा रहा है वो ऊपर, तो इस वजह से उसकी पिकअप नहीं आ रही, और यहाँ सबको अटका रखा है बंदे ने कि भाई चलो मैं भी धीरे चलूँगा, सब धीरे चलो, और कोई ऑप्शन नहीं है, रोड इतना छोटा कि साइड तो ले नहीं सकते, चुपचाप पीछे चलते रहो, 10-10 की स्पीड पर चलाओ और पहुँच जाओ, इससे बड़े फिर वहीं से चले जाओ भाई। यहाँ एक हो जाता है कि भाई चल रहा है ट्रैफिक, रुका हुआ नहीं है, रुके हुए ट्रैफिक में ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है,
ये भी इरिटेट ही करता है, बार बार ब्रेक मारते रहो, हल्का चला फिर ब्रेक मार दो। बाकी आने वाले बहुत बंदे हैं वहाँ से भी, देखो भाई ओडी ओडी सब आ रही है। कौन सी ओडी है ये भाई? ओ भाई 8 लग रही थी तो मेरे को, कितनी प्यारी लग रही थी। अब गाड़ियाँ देखते रहो चलाएंगे जानी लोग, यहाँ पे चुपचाप चलते रहो इनके पीछे पीछे, धीरे 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 चलते रहो। ठीक है भाई, आराम आराम से चलाते रहेंगे, जैसे तुम्हारी मर्जी हो। यहाँ देखो बंदर ही बंदर है, हिल स्टेशन है पूरा प्रॉपर बंदरों वाला, जैसे हिल स्टेशन में बंदर ही बंदर मिलते हैं ना ऐसे। ये देखो बंदर को खिला रहे हैं केले, ये देखो भाई केले वालों से नहीं खाते हो, जब खिलाते हैं तभी लेते, केले वालों को नहीं उठा के वक्त, उनको भी पता भाई केले वाला बंदा बेचने के लिए बैठा हुआ है, जब कोई खरीदेगा तो हमें खिलाएगा, इसके केले नहीं खाने। समझदार है बंदर वैसे। चलते रहो धीरे धीरे, देखो भाई कितना लंबी लाइन लग गई इधर तो, अभी आगे तो रास्ता वन वे है, वहाँ तो और ज़्यादा रहेगा ट्रैफिक। मेरे को तो लगा चलो इस रोड पर चढ़ गए अब तो बस गाड़ी खींचती रहेगी, मुझे क्या पता था खींचना ही ख़त्म हो जाएगा। आने वाले कितने और जाने वाले भी पूरे हैं, अब देख लो मर्सिडीज आ गई यहाँ से, लग्जरी गाड़ी आए जा रही है, क्या बात है। लग्जरी पीली आ रही है ब्लैक कलर की, क्या बात है, ब्लैक ब्यूटी, ब्रांड न्यू कार थी इसलिए चमक रही थी। चलते रहो आराम आराम से चलते रहो, कोई बात नहीं, अब तो देर पे देर होगी, जब तक ये ट्रैफिक वाला रूट ख़त्म नहीं होगा तब तक ट्रैफिक में ही फंसे रहो। अब यहाँ पे भी मुझे टाइम लगने वाला है, क्योंकि जिस काम से जा रहा हूँ वहाँ पे 2-3 जगह काम है मुझे, तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा, बट फिर भी देखते हैं कितने टाइम में फ्री होते हैं। और आगे बातचीत पता नहीं हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोई किसी को पिक करना है तो उनसे भी बात बात करनी है, तब तक क्या पता पहुँची जाए। हाँ भाई हाँ बहुत जगह है, आराम से आराम से 2-3 लाइन लगा लो। बंदे भी पता नहीं क्या समझते हैं क्या सोचते हैं, सिंगल लेन चल नहीं रही, 2-2 लाइन कर देंगे फिर उधर। अब लो यहाँ भी जाम कर दो, पहले ही लाइन में हो जाया करो ना, कोई इधर आए कोई इधर आए, ये आएंगे ऑटो वाले भाई साहब, देखो ये आएंगे। ओह मैं आऊँ आगे, रुक जाओ मैं निकालता हूँ सबसे आगे, ये निकालेंगे बाबू जी, इधर स्कूटी वाला आ गया इधर ऑटो वाला आ गया, हाँ इधर इज्जत ही नहीं है कुछ, गाड़ी वाले स्कूटर बाइक वाले से ऐसे ही होगा मतलब। अब आया ये वाला बढ़िया कट, लेकिन ये बढ़िया कट ना बढ़िया ही हो गया, ऑटो वाले भाई साहब आगे आ गए और जाम पूरा है, तो आराम आराम से उतरना पड़ेगा नीचे भी। ये आता है शार्प टर्न तो भाई, ये देखो बस नहीं कट तक ठीक था, दोबारा जाम चालू। चलो यार पहुंचता हूँ जरा, देखते हैं और बातचीत हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो फिर पहुंचता हूँ, काम वाम करते हैं फ्री होके, फिर आराम से बात करेंगे। या तो भाई आ गए थोड़ा आगे, और धूप पूरी है, गर्मी लग रही है, वो तो ऐसे चल रहा थोड़ा ठीक ठाक है फिर भी, नहीं तो गर्मी इतनी लग नहीं थी, इतनी हो ज़्यादा हो जाएगी एकदम से। मुझे लगा अब तो यार बारिश वारिश आ चालू हो गई तो मौसम सही रहेगा, लेकिन मौसम ने तो कहा मैं कैसे सही रह सकता हूँ, ऐसे थोड़ी जैसे तुम सोचोगे वैसा हूँ ही नहीं मैं, तुम सोचोगे ये तो मैं वो तो ये, तो भाई अब तो मौसम अपने हिसाब से चल ही रहे हैं भाई साहब, तो अपने हिसाब से चलेंगे, तो हम भी अपने हिसाब से चल रहे हैं। देख लो फ्लैग कितना बढ़िया लग रहा है, देख लो है ना बढ़िया। अब यहाँ से मैं आगे मरगढ़ वाले हनुमान जी के मंदिर पहुँच चुका हूँ, मतलब आगे आ जाएगा अभी एक, ओहो हो अभी तो मोनेस्ट्री आया हूँ, यहाँ पुल के नीचे ना मोनेस्ट्री बना रही है कपड़ों की, तिब्बतन मार्केट बोलते शायद उसे, तो वो बनी हुई है इधर पुल के नीचे। अभी दिखाता हूँ एंट्री गेट, अभी दिखाते हैं, आने वाला है एंट्री गेट, यहाँ पे आएगा, ये रहा एंट्री गेट, मोनेस्ट्री मार्केट दिख रही है ना लिखी हुई, देख लो ये है मोनेस्ट्री मार्केट, तो यहाँ मिलते हैं कपड़े, तिब्बतन मार्केट बोलते हैं, तिब्बती लोग होते हैं जो कपड़े वपड़ों की दुकान है जिनकी, मतलब मैं निकल जाऊँ भाई, ठीक है धन्यवाद। आ गई रोडवेज वाली बस, इनके तो इंडिकेटर जलते हाथ वाथ सब निकल जाते हैं और मोड़ देते हैं ये, वो सब चीज़ें बाद की बात है, पहले मोड़ना चालू करते हैं उसके बाद देते हैं इंडिकेटर और हाथ, कोई नहीं निकल सकता भाई इनसे, तो जब इन्होंने हाथ और इंडिकेटर दे दिए तो ये तो मोड़ेंगे ही मोड़ेंगे, ये नहीं रुकेंगे, फिर कमिटमेंट कर दिए तो फिर किसी की नहीं सुनते, धड़ल्ले से मोड़ देते एकदम। अब बस आगे एक कट हो रहा है, वहाँ से फिर पहुँच जाऊँगा मरगढ़ वाले हनुमान जी के मंदिर, और वहाँ से होते हुए सीधा नोएडा के लिए निकल जाएंगे भाई, राजघाट के उधर रास्ते से। इसको क्या हो गया,
गाड़ी वाले भैया क्या हो गया, नहीं चलानी तो रोक लो, आराम से बैठ जाओ साइड में, क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो। हाँ ऐसे रोड चले स्पीड से भाई साहब, ब्रेक नहीं मारना पड़ी, तब तो मज़ा आए, निकलते जाम लग जाता है। अभी आ गए वैगनर वाले भाई, इतनी तेज चला रहे हैं, किसी एक आधे घोड़ा आएंगे ये तो। आगे देख लो आ गई ई क्लास E200 फेसलिफ्ट वाला मॉडल। मेरा ग्लास गंदा हो रहा है एक्चुअली में, इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा, अभी साफ करता हूँ इसको। ये लो भाई कर दिया साफ, अब हो सकता है थोड़ा साफ सुथरा दिख जाए। देख लो अब तुम क्या देखोगे, रुकी गई गाड़ी, देखते रहते अब जब रुक गाड़ी चलती रहती, पूरी रुक गई वो तो। मरगढ़ वाले हनुमान जी के मंदिर आ चुका हूँ भाई मैं, ये है मरगढ़ वाले हनुमान जी का मंदिर राइट में, और मुझे जाना है यहाँ से आगे से रेफ्ट होते हुए नोएडा के लिए आश्रम नोएडा। थोड़ा सा ट्रैफिक होना चालू हो चुका है यहाँ पे भी, ट्रैफिक का तो ऐसे ही है भाई, चलता फिरता रहेगा, कभी कम कभी ज़्यादा, क्योंकि ऑफिस का टाइम। जिस काम से आया था वहाँ से फ्री होके आगे आ चुका हूँ, जो मेरे साथ गए थे उनको भी ड्रॉप कर दिया है मैंने, और अब यहाँ से तो वापस जा रहा हूँ, अब पहुँचना है सीधा, पहले ऑफिस ही जाऊँगा, घर जाऊँगा, घर से फिर ऑफिस, ऑफिस का जो काम है वो भी कर ही दूँगा, टाइम से आ ही गया हूँ वापस, तो नहीं तो मुझे लग रहा है नाइट हो जाएगी, हो सकता है इवनिंग हो जाती है मोस्टली मेरे को, बट आज फिर भी थोड़ा सा टाइम से आ चुका हूँ मैं, क्योंकि जल्दी गया था तो इसलिए टाइम से फ्री हो गया हूँ, तो बढ़िया है भाई टाइम से आ गया हूँ, तो और भी काम हो जाएंगे अब, और ट्रैफिक से ही बच जाऊँगा, नहीं तो इवनिंग में तो ट्रैफिक मिलना ही मिलना होता है। मॉर्निंग का ट्रैफिक आज एंजॉय कर लिया, इवनिंग के ट्रैफिक की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से लेना है लेफ्ट भाई ISBT के लिए, बोर्ड आगे की जगह पहले लगाना चाहिए ना, बंदा कन्फ्यूज हो जाएगा कि भाई आगे है यही वाला कट है, गड़बड़ कर रखी है तुमने बोर्ड, या गलत लगा रखा है, मैं नहीं खेल रहा। पेट्रोल की भी लाइट जल गई है, पेट्रोल पम्प कहीं दिख नहीं रहा अभी तो फिलहाल मेरे को, अब डलवाऊँगा, पीछे थोड़ा सा ट्रैफिक था इसकी वजह से थोड़ा सा डलवा नहीं पाया, तो ये पूरा घूम गया हूँ रोड, और नीचे रोड पे आ जाऊँगा। ये अब आ गया रोड, मैं ऊपर फ्लाईओवर से क्या उतारा इन्होंने रोड नीचे, ये होता तरीका रोड उतारने का। चलो भाई हम अभी पहुँचते हैं, जरा आप घर पहुँचते हैं, घर पहुँच के फिर बातचीत करेंगे आप भाई। अभी निकला जरा आप लोग थोड़ी बहुत बातचीत करने के लिए, और वहाँ से आने के बाद ऑफिस के एक दो काम थे छोटे मोटे वो करे थे, और अब निकला हूँ चाय वगैरह पी के, इवनिंग की चाय पिए बस, सोच रहा था चलो यार बाइक का भी थोड़ा बहुत तो ब्लॉक लाई दूँ, ये बिल्कुल भी नहीं आ पाया आज, पॉसिबिलिटी है अभी निकल लेगी तो निकल गया हूँ, चलो थोड़ी बहुत बातचीत हो जाएगी और ब्लॉक बन जाएगा, नहीं तो फिर आज तो कार का जाता अगर मैं लेट हो जाता तो, बट वहाँ से थोड़ा टाइम से आ गया तो बढ़िया है, बातचीत हो जाएगी अपनी भी थोड़ी बहुत, ज़्यादा लंबा रूट तो लूँगा नहीं मैं, क्योंकि काम तो कुछ नहीं था फिलहाल, तो आप लोगों के पास इसमें निकला हूँ तो वही सब करके वापस आ जाऊँगा, थोड़ा सा तो लेट हो ही गया हूँ वैसे मैं। ओहो यहाँ कितनी ठंडी हवा आ रही है भाई, मज़ा आता है ठंडी हवा एकदम साथ में, एकदम लाइट भी ग्रीन मिल गई, इससे बढ़िया क्या बात होगी। आज खुशियस की जानिए तो आज हवा भी आए तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, खास रूप से हवा में ज़्यादा ठंड ठंड सी लगती है थोड़ी सी, तो अब यहाँ से जो है थोड़ा बहुत बातचीत करके वापस घर जाने बस, और अब भाई ठंड आने वाले धीरे धीरे, अब रातों में शादी के बाद नवरात्र आ जाएंगे, नवरात्रों में फिर अपना रामलीला चालू हो जाती है, और रामलीला के टाइम तो ठंडक थोड़ी बहुत हो ही जाती है भाई, बाहर मच्छर भी बहुत हो जाते हैं, लेकिन रामलीला में मच्छर दिखते हैं बहुत, तो रामलीला भी देखो देखने जाएंगे, कब जाएंगे कैसे जाएंगे कहाँ जाएंगे अभी कुछ डिसाइड नहीं है, अभी चालू होएगी रामलीला, तैयारियाँ चालू हो गई है, लेकिन सही है भाई रामलीला भी आ जाएगी, अब यहाँ से यूटर ले रहा हूँ मैं, ज़्यादा आगे नहीं जा रहा आज, आज सोच रहे हैं थोड़ा शॉर्ट रूट से ही काम चलाएं, फिलहाल वेट करना पड़ेगा।
से लो भाइयों, ले लिया यू टर्न। और ये देखो XUV 300 आ गई, कलर अच्छा लग रहा है, ब्लू कलर, ब्लू ब्लैक जैसे डबल शेडेड वाला कलर है ना, वो कलर है ये, कलर अच्छा लग रहा है गाड़ी का। बाकी गाड़ी तो है अच्छी, नई गाड़ी है भाई, ऐसा कलर अच्छा लग रहा है आजकल, ऐसा कलर की बहुत डिमांड है जो डबल शेड मारता है। मॉर्निंग में कुछ और, इवनिंग में कुछ और, नाइट में कुछ और, अच्छा लगता है। एक ही कलर में तीन कलर के मजे ले लो भाई। और कल देखते हैं, कल का जो भी शेड्यूल रहेगा देखते हैं, अभी कुछ सोचा नहीं है क्या शेड्यूल करना है, कहाँ जाना है कुछ नहीं पता अभी तक, देखेंगे कैसे प्लान बनेगा अकॉर्डिंगली। अभी मौसम तो बदल ही रहा है भाई, ठंडा बहुत रही है। कल वैसे एक तो काम है, वो देखता हूँ दिन में निकल पाता हूँ कामों में या नहीं, या इवनिंग में निकलूँगा, जैसा होगा बातचीत तो कर ली नहीं भाई। तो अभी फ़िलहाल चलता हूँ मैं, पहुँचता हूँ घर, और घर पहुँच के फिर बातचीत करते हैं बराबर। भाई आ गए घर पे, और बाइक वगैरह पार्क कर दी है, और अब बस रेस्ट करना है, डिनर करना है, लोग एडिट करना नॉर्मल सी बात है, तो उसके अलावा और कुछ करना नहीं है, और टाइम भी नहीं है उसके अलावा कुछ करने का। तो कल देखें कल का क्या शेड्यूल रहेगा, फिलहाल चलता हूँ, करते हैं इस लोग को, कल मिलेंगे नए लोग का, नहीं बात हो सर, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।